ओम शांति। संसार में तमो प्रधानता के कारण हमारी कर्मेंद्रियां चंचल हो गई हैं, भिखारी बन गई है और आत्मा को बार बार विकर्म की ओर, नेगेटिविटी की ओर खींचती हैं। आत्मा ना चाहते हुए भी कर्मेंद्रियों की परवश हो जाती है और सूक्ष्म पाप का बोझ अपने ऊपर ले लेती है। इसलिए अब हमें इन कर्मेंद्रियों को भी शीतल बनाना है, स्वच्छ बनाना है, ताकि हमारी कर्मेंद्रियां शांत शीतल हो जाए और जो मन का युद्ध है वो समाप्त हो जाए। क्योंकि आत्मा में ज्ञान है, ज्ञान की शक्ति है, लेकिन कर्मेंद्रियों में जो चंचलता है वो उसे खींचकर उस रास्ते पर ले जाती है और ऐसे ऐसे भी कर्म करा देती है जिससे आत्मा और ही निर्बल पापों के बोझ में दबती जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे सुबह शाम 5 मिनट अपनी ऐसी कर्मेंद्रियों को शीतलता का सकास दो। बाबा से इन कर्मेंद्रियों पर शीतलता के छींटे डालो तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में हमारी कर्मेंद्रियां शांत हो जाएंगी, चंचलता समाप्त हो जाएगी, विकारों की खींच से ये कर्मेंद्रियां मुक्त हो जाएगी। तो हमें एक बहुत सुंदर अभ्यास सभी को करना है। अनुभव करें, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, मेरी देह मेरे सामने है, मैं इससे संपूर्ण अलग हूं, मैं अशरीरी आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, अति शीतल हूं। अब देखें परम धाम में शीतलता के सागर, परम ज्योति शिव बाबा, मुझ आत्मा के परम पिता। अब बाबा का आह्वान करें, हे मेरे सच्चे सच्चे माता पिता, सर्व गुणों और शक्तियों के सागर, मेरे सर्वस्व बाबा, मेरे पास आओ। देखें ज्ञान सूर्य शिव बाबा परम धाम से नीचे उतर रहे हैं, मेरी पुकार सुनकर मेरे पास आ रहे हैं। अब देखें मुझ ज्योति बिंदु आत्मा के सामने ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान शीतलता के सागर विराजमान है। मैं आत्मा बड़े प्रेम से बाबा का स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ और कहती हूँ, बाबा ये देह अब आपका है, आप इसे शीतल बनाओ। जो कर्मेंद्रियां चंचल है, जिन कर्मेंद्रियों में विकारों की वास है, उससे अब इस शरीर को मुक्त करो और संपूर्ण शीतल बना दो। अब बाबा से शीतलता के सागर से सुनहरी चमकती हुई शीतलता की किरणें निकल निकल कर
शरीर की हर कर्मेंद्री में समा रही हैं, और जो कर्मेंद्री ज़्यादा चंचल है, विकारों की ओर, देहभान की ओर खींचती है, उस कर्मेंद्री को देखें और ये अनुभव करें शीतलता के सागर से बाबा से, शीतलता की अथाह अनंत किरणें उस कर्मेंद्री में समा रही है। उस कर्मेंद्री की तपत विकारी अग्नि बुझ रही है, चंचलता समाप्त हो रही है, और वो कर्मेंद्री बाबा की शीतल किरणों से संपूर्ण शीतल बनती जा रही है। निरंतर उस कर्मेंद्री में शीतलता समा रही है। परमात्मा संपूर्ण शीतलता की शक्ति उसमें समा गई है। इस तरह से अपनी एक एक कर्मेंद्री को बाबा से शीतलता की किरणों में उसे शांत बना दें, ताकि वो चंचलता को विकारों की ओर ना खींचे और शांत शीतल हो जाए। तो जब सारा शरीर ऐसा शीतल हो जाएगा, तो हमें इस जीवन का परम सुख और परमानंद की अनुभूति होगी। जीवन संपूर्ण शीतल और शांत बन जाएगा। आप सोचो कि शरीर का हर एक अंग शांत हो गया, हर कर्मेंद्री संपूर्ण शीतल बन गई, पूरा शरीर शीतलता से भर गया है, तो ऐसा जीवन कितना श्रेष्ठ उत्तम होगा। जब सर से लेकर पैरों तक हर अंग परम शीतल बन जाएगा, तो ऐसा हमें अनुभव करना है कि बाबा की शीतलता की किरणों से मेरा शरीर देवताओं के समान शीतल हो गया है, कर्मेंद्री संपूर्ण स्वच्छ शांत शीतल बन गई है, चंचलता और विकारों की बास से खींच से मुक्त होकर संपूर्ण निर्विकारी शीतल बन गई है, बन गई है। ओम शांति।